लगीराज खुद बैक इन द न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है मेरा पिछला ब्लॉग जो था वो ट्रैवलिंग पे था, जो कि आगरा। तो गाइस, मैं अभी आगरा में हूँ और आज मैं जाने वाला हूँ ताजमहल, जिसे प्यार की निशानी भी कहते हैं, सातवां अजूबा भी कहते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 6। हमने लॉज नहीं किया था, एक ये रेस्ट रूम होता है जो कि 100 रुपये में आपको रेस्ट अच्छा होता है, आप 2 घंटे रुक सकते हो, उसमें आपको एक कॉफ़ी मिलेंगी। अलग अलग पॉलिसी है, जैसे आपको चाहे शावर वा जो भी। तो हमने वहाँ स्टे किया था, 2 बजे पहुँच गए थे हम, हम मॉर्निंग में 4 बजे पहुँचे, 2 घंटे लेट था हमारा ट्रेन। तो उसके बाद हम थोड़ा नाश्ता वास्ता किया, खाना खाया, उसके बाद हमने रेस्ट रूम में आए या हमने रेस्ट किया थोड़ा 10-15 मिनट, फिर उसका शावर वावर लिया। तो आप देख सकते हो काफ़ी सही है। तो अभी हम जा रहे हैं, मॉर्निंग में 6 बजे हमने थोड़ा डिटेल निकाला था, हमको पता चला कि मॉर्निंग में 6 बजे ओपन हो जाता है करके ताजमहल। और वहाँ पे जो मॉर्निंग में जो सिनेमैटिक आते हैं ना डूड, वो सनराइज हम मिस नहीं करना चाहते, इसलिए हम जल्दी फ्रेश हो गए। और अभी मैं ज़्यादा ये नहीं करूँगा, तो हम सीधा चलते हैं। अभी हमने मेन गेट पर आ चुके हैं और हमने स्टेशन से तो ताजमहल तक 100 रुपये दिए, थोड़ा बाहर आके हमने बातचीत की। जब 100 रुपये नहीं तो अगर हम स्टेशन के करीब जो ऑटो वाले होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, 200-250 बोलेंगे आपको। तो आप थोड़ा बातचीत करके लेना। तो हमने 100 रुपये में हमारा दोनों का ताजमहल तक आ चुके हैं। ये मेन गेट है जहाँ से हमने अभी इंटर किया है अंदर, और हमारा जो प्लान था जो हमको सनराइज़ देखना था ताजमहल के कने का, तो उसके लिए स्पेशल हम उसके लिए आए हैं कि सनराइज़ देखने के, जो भी है शुक्ल स्पेशल मेरे गली को सिनेमेटिक क्लिक करने दे सिर्फ ताजमहल के जो मॉर्निंग का जो सनराइज़ होता है उसके लिए। तो हमने जो ट्रेन ऐसा चूज़ किया था कि जो हमको 2-3 बजे छोड़ दे, फिर उसके बाद हम रेस्ट करके आए। तो हमारा जो प्लान था वो सक्सेस हो गया। अभी हम फ्रेश फ्रेश होके आ चुके हैं, तो अभी चलते हैं और देखते हैं ताजमहल को करीब से, और सिनेमेटिक सीन मेरे को भी लेने हैं और उसको भी लेने हैं। तो देखते हैं ताजमहल कैसा दिखता है मॉर्निंग में। थैंक यू। तो गाइस, अभी हमने जस्ट इंटर किया है अभी ताजमहल के अंदर। आप देख सकते हो पीछे वो गेट है जहाँ से इंटर करते हैं, वो मेन गेट नहीं है लेकिन वहाँ से अंदर एंट्री होती है। तो अभी हमने एंट्री किया और अभी हम जा रहे हैं मेन गेट पे जहाँ से ताजमहल ताजमहल वहाँ से दिखता है। और काफ़ी ज़्यादा आपने रील्स देखी होंगी, शॉर्ट्स देखे होंगे अपने, वहाँ से ज़्यादा बनते हैं। तो वहाँ से हम चलते फिर इंटर करते हैं ताजमहल में। तो गाइस, ताजमहल को करीब से देख के काफ़ी सुकून लग रहा है, और हमको लगा लेकिन मॉर्निंग में हम कुछ काफ़ी कम लोग होंगे जो सनराइज़ देखने आए, मॉर्निंग में इतना रश नहीं रहेगा। लेकिन भाई मॉर्निंग में देख के मैं एकदम इतना पब्लिक, मेरे को मैंने सोचा नहीं था कि इतना पब्लिक हो सकता है। मैंने सोचा था ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे 200-300 तो सिर्फ गेट पर खड़े हैं इस टाइम। अभी अंदर कितने वो भी मेरे को भी नहीं पता। और गाइस, ताजमहल आपको पता है ताजमहल को बनाने के लिए कितने मजदूर लगे थे? ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 मजदूर लगे थे। और दूसरी चीज़, 20,000 मजदूरों ने ये 1-2 साल में नहीं बनाया, ताजमहल को बनते बनते 22 साल, 22 साल में बन के तैयार हुआ ताजमहल। तो आप सोच सकते हो शाहजहाँ का जो था ना, 20,000 मजदूरों को 22 साल तक खाना खिलाना, आजू बाजू के गाँव से भी खाना
मतलब लाना पड़ता था। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि आजू बाजू गाँव में भी खाना नहीं था, क्योंकि शाहजहाँ ने सब खाना ले लिया था, और शाहजहाँ का जो खजाना था वो एकदम से खाली हो जा रहा था, क्योंकि मतलब उनको कुछ नहीं, मतलब प्यार में इंसान अंधा होता है, इसको ऐसी प्यार की निशानी नहीं करते। और 22 साल में जो मजूरों ने बनाया ना गाइस, ऐसी सातवें अजूबे में नहीं आया यार। मतलब इसको देख के ना, मतलब पास से देख के सुकून लग, मतलब सुकून मिल गया क्या भाई। ताजमहल को मतलब पैसा वसूल चीज़ है यार, मतलब इतना। और अभी जस्ट सन, मतलब पीछे आप देख सकते हो, अभी जस्ट सनराइज हुआ है, तो और खूब मतलब खूब दिख रहा है। मतलब मैं अभी जा रहा हूँ करीब, ये आपको ये जो मीनार दिख रही है, ये तीन, एक दो तीन, और एक बैक साइड में भी है चार। तो इसको ऐसा बनाया गया ताजमहल को कि चारों मीनार ऐसी बनाई गई है कि मतलब आप कोई भी साइड से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ताजमहल का फ्रंट साइड है करके। और दूसरी चीज़, मतलब शाहजहाँ ना चाहते थे मतलब इनको फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो मतलब ताजमहल को, तो इसकी जो मीनारें है ना ये बनाई गई है, तो ये थोड़ी मतलब साइड में बनाई गई है, मतलब स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी आउटसाइड बनाई गई है, क्योंकि अगर ये गिरती भी है तो ताजमहल पे ना गिरे, तो इसकी बनावट ऐसी, अगर कुछ होता भी है फ्यूचर में या भूकंप वूकंप कुछ भी आता है तो ये ताजमहल पे ना गिरते हुए ये बाहर साइड में गिरेंगी। अभी सनराइज़ भी हो गया जो जिसे हम देखने आए थे, आप देख सकते हो। और ताजमहल भी मतलब अभी काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा है, हम जब उस टाइम आए थे उस टाइम इतना ग्लो नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे अभी सूरज ऊपर आया है वैसे ताजमहल भी ग्लो कर रहा है। और ऐसे ये दिन में चार बार कलर बदलता है, अभी आप देख सकते हो। और गाइस दूसरी चीज़, ये ताजमहल 400 साल से भी पुराना है और आज भी, लेकिन इसकी जो खूबी है, इस पर थोड़े से भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि 400 साल पुराना है। और गाइस ये ओरिजिनल मार्बल से बना है, पूरा टोटल मार्बल से, इसमें कोई मतलब प्लास्टर वैरिस का यूज़ नहीं किया है। और एक चीज़ गाइस, आपको पता है अभी ताजमहल की करंट वैल्यू क्या है, क्या प्राइस क्या है? तो $1 बिलियन, मतलब 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा। तो डूड, मतलब एक ताजमहल की प्राइस इतनी है, मतलब इंडिया के पास ऐसे कितने चीज़ें हैं। तो सोचो अगर इंडिया ऐसी यार सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। तो गाइस मतलब जो ताजमहल का टोटल एरिया आपको पता है कितना है? 42 एकड़ में ताजमहल मतलब बसा हुआ है। और उसके साथ ताजमहल तो ब्यूटी है, आपको पता है, मतलब सात अजूबे में आता है, लेकिन उसके साथ ये जो ग्रीन पार्क है ना डूड, मतलब पूरा 42 एकड़ में ग्रीन पार्क, मतलब इतना नेचर के करीब, मतलब जो भी आगरा में रहता हूँ और वो मॉर्निंग में टहलने आ रहा हो तो वो मतलब सुकून तो है, क्योंकि इतना नेचर अभी कहीं बचा नहीं है और उसमें इतनी ब्यूटी। और दूसरी चीज़ आपको बताएं, मतलब ताजमहल को हर दिन विजिट 35,000 से 40,000 विजिट करते हैं, और अगर वीकेंड है मतलब संडे को वीकेंड या सैटरडे को, तो 60 से 70 हज़ार लोग मतलब डेली विजिट करते हैं। और उसमें फॉरेनर कितने लोग होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 40% लोग फॉरेनर है डूड। मतलब इतना नाम है ना ताजमहल का, मतलब आप सोच सकते हो कि आपको हर 10 बंदे 3 बंदे फॉरेनर मिलेंगे। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दो। मेक श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, अगर आपको नहीं लगी तो यार कमेंट कर दो कि आपको क्या गलत लग रहा है, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। और आपको मतलब कोई प्लेस है जो आप नहीं देख पा रहे हो तो कमेंट कर दो, मैं जाने की कोशिश करूँगा, वो मैं विजिट करने की कोशिश करूँगा। तो ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेक श्योर आपने कर लिया होगा। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ।